मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, हम आज देखेंगे इस वीडियो में साइंस स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के अंतर्गत जो आगे का टॉपिक है उसको देखिए। स्टूडेंट्स, द रॉ फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और जो कच्चे रेशे हैं, गिनिंग इज डन बाय गिनिंग मशीन्स कॉल्ड कॉटन गिन्स, और गिनिंग जो प्रोसेस है वह गिनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसे इसे कॉम्बिंग बोलते हैं और उन्हें कॉटन गिन्स बोलते हैं ना। द सेपरेटेड सीड्स, जो अलग किए हुए बीज हैं, इफ नॉट डैमेज, यदि क्षतिग्रस्त नहीं हैं, कैन बी यूज टू ग्रो मोर कॉटन प्लांट, और उनसे फिर नए अधिक जो कॉटन के पौधे उन्हें उगाया जा सकता है। नेक्स्ट, द फाइबर इज क्लीन टू रिमूव लीव्स एंड ट्विग्स, और आगे जो है रेशों से पत्तियों और जो पंखुड़ियों को अलग किया जाता है। इट इज देन स्पन इनटू यार्न बाय ए प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग, और उसके बाद में इससे धागा बनता है स्पिनिंग प्रक्रिया के द्वारा। स्पिनिंग ड्राज आउट द शॉर्ट फाइबर्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन एंड ट्विस्ट देम टुगेदर इनटू ए लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड, और स्पिनिंग प्रक्रिया के द्वारा जो है छोटे धागों को कॉटन के मास से अलग कर लेते हैं और उन्हें फिर दोबारा ट्विस्ट करके लंबा थ्रेड बनाते हैं। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग कॉटन फाइबर्स इनटू यार्न और थ्रेड, स्पिनिंग जो है वह प्रक्रिया है जिसमें कि कॉटन फाइबर से धागा बनता है। स्पिनिंग वाज अर्लियर डन बाय सिंपल हैंड स्पिंडल कॉल्ड तकली और ऑन ए स्पिनिंग व्हील कॉल्ड चरखा, स्पिनिंग को पहले जो है साधारण हैंड स्पिंडल से बनाते थे, करते थे, जिसे तकली बोलते थे, या स्पिनिंग व्हील से जिसे चरखा बोलते हैं। चरखा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट व्हेन महात्मा गांधी इनकरेज पीपल टू वियर खादी, जो चरखा बहुत ही प्रचलित हो गया था स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जब महात्मा गांधी लोगों को उत्साहित किए खादी पहनने के लिए, जो घर का बना हुआ धागा था जिससे, एंड बायकॉट इम्पोर्टेड क्लॉथ, जो आयातित कपड़े थे बाहर, विदेशी कपड़े थे, उन्हें उनका बायकॉट करने के लिए। नाउअडेज इन दिनों स्पिनिंग ऑन ए लार्ज स्केल इज डन बाय मशीन्स, अब इन दिनों जो स्पिनिंग है वो मशीन्स के द्वारा होती है बड़े पैमाने पर। देन यार्न यूज टू मेक कॉटन बाय वीविंग इन स्पेशल मशीन्स कॉल्ड लूम्स, और धागे जो बनते हैं बुनाई के लिए वो विशेष प्रकार की मशीनों से बनते हैं जिन्हें लूम्स बोलते हैं। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स, वीविंग में, वीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू गेट अ फैब्रिक, वीविंग क्या है वह प्रक्रिया जिसमें कि दो धागे साथ में सेट करके उनसे कपड़ा बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम और पावर लूम, और हैंडलूम की सहायता से या पावर लूम की सहायता से फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनते हैं। सूफी संत कबीर वाज एस वीवर, और सूफी संत जो कबीर थे वह एक वीवर थे, बुनकर थे। नीटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ विच ए सिंगल यार्न टू क्रिएट द एंटायर फैब्रिक, और नेटिंग क्या है वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही धागा से कपड़ा बनता है। वीविंग में क्या है, दो सेट्स ऑफ यार्न, टू सेट्स ऑफ यार्न है जिसमें दो धागों से कपड़ा बनता है। सॉक्स स्वेटर्स इटीसी आर एग्जांपल ऑफ नीटेड फैब्रिक, और जो मोजे और स्वेटर हैं वह नीटेड फैब्रिक के उदाहरण हैं। नीटिंग इज डन यूजिंग हैंड्स एज वेल एज मशीन्स, और नीटिंग जो है वह हाथों से की जाती है या मशीनों के द्वारा भी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द एडवांटेजेज ऑफ द वियरिंग क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन आर डिस्कस्ड हियर, और जो कॉटन से बने कपड़े सूती कपड़ों के पहनने से जो लाभ हैं वह नीचे दिए गए हैं। देखिए क्या है, इट इज सॉफ्ट, यह मुलायम होता है। इट एब्जॉर्ब स्वीट्स, और यह जो पसीने को सोख लेता है, जाग लेता है। इट आल्सो लेट्स एयर इन, और इसमें हवा भी भरी रहती है ना। अब आगे देखिए, वेन स्वीट्स एवोपरेट्स, जब पसीना जो है उड़ जाता है, इट कूल्स डाउन द बॉडी, यह शरीर को ठंडा रखता है। कॉटन क्लॉथ्स आर देयर फोर, इसलिए जो सूती कपड़े हैं कंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड वेदर, और क्या होते हैं, आरामदायक होते हैं पहनने में, मुख्य विशेष रूप से गर्म और आर्द्र मौसम में। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखते हैं, देखिए कॉटन रोल्स को गिनिंग के द्वारा फाइबर बनाते हैं, फाइबर से स्पिनिंग के द्वारा नीटिंग, स्पिनिंग करके फिर नीटिंग और वीविंग के द्वारा धागे से फैब्रिक कपड़ा बनता है। स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए,
उसके बाद है इट इज आल्सो ए प्लांट विच गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स में देख लीजिए, फ्लैक्स क्या है स्टूडेंट्स, फ्लैक्स क्या है कि फ्लैक्स भी एक पौधा है जो कि प्राकृतिक रेशा जिसे मिलता है। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट आर कॉल्ड फ्लैक्स फाइबर्स, और जो रेशे फ्लैक्स प्लांट से मिलते हैं उन्हें फ्लैक्स फाइबर या फ्लैक्स बोलते हैं। द फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, और जो रेशे मिलते हैं फ्लैक्स प्लांट के तने से मिलते हैं। द फ्लैक्स फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक और क्लॉथ, और जो फ्लैक्स फाइबर है वह उपयोग में लाया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, द क्लॉथ मेड ऑफ स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लिनन, और जो फ्लैक्स फाइबर से जो कपड़ा बनता है उसे लिनन बोलते हैं। लिनन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेडशीट्स क्लॉथ ईटीसी, और लिनन जो है बेडशीट का कपड़ा बनाने में उपयोग में आता है। दस इस प्रकार इन एडिशन टू कॉटन, इस प्रकार कॉटन के संदर्भ में फ्लैक्स प्लांट्स आर आल्सो कल्टिवेटेड इन फील्ड्स टू ऑब्टेन फाइबर्स फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, इसलिए कॉटन के संदर्भ में सूती जो रुई वाला पौधा है उसके संदर्भ में फ्लैक्स प्लांट भी खेतों में उगाए जाते हैं रेशा प्राप्त करने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कंसल्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।